नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 13 जून को नीट यूजी 2023 का एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल दिल्ली के 1000 से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा पास की है, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने इसे लेकर 15 और 16 जून को ट्वीट किए हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में विपक्ष की एंट्री हो चुकी है। जहां केजरीवाल दिल्ली की शिक्षा क्रांति की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर पूरी तरह से हमलावर है। चलिए सबसे पहले आपको सीएम अरविंद केजरीवाल का 16 जून का क्या ट्वीट है वो बताते हैं। अपने ट्वीट में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तारीफ करते हुए लिखा, दिल्ली सरकार के 8 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस हैं, जहां इस साल बच्चों ने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। उनमें 328 बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं। उनमें से 247 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी, जिसमें से 176 बच्चे क्वालिफाई कर गए। 71.26% सक्सेस रेट। आईबी के साथ मिलकर दिल्ली शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाया गया नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिलेबस और पढ़ाई बच्चों के अंदर गजब की समझ और आत्मविश्वास पैदा कर रही है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैं पूरी SOSE टीम, टीचर्स, बच्चों और उनके अभिभावकों को बधाई देता हूं। इस ट्वीट में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ने वाले उन बच्चों का डेटा शेयर किया, जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी और उनमें से कितने बच्चों ने परीक्षा को पास कर लिया। लेकिन दिल्ली की राजनीति में हलचल सीएम केजरीवाल के 15 जून के ट्वीट से हुई, जिसमें उन्होंने नीट की परीक्षा पास करने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का डेटा शेयर किया था और बच्चों को बधाई भी दी थी। इस पर अब बीजेपी ने उन पर सवाल किए हैं। तो 15 जून को सीएम केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया था वो आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, बहुत खूब, दिल्ली सरकार के स्कूलों के 1000 से अधिक छात्र नीट में पास हुए हैं। कुछ साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई। अपने इस ट्वीट में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते कुछ सालों का डाटा भी शेयर किया था, जिसके मुताबिक साल 2020 में 569, 2021 में 496, 2022 में 648 और 2023 में 1074 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की है। सीएम केजरीवाल के इस ट्वीट के मुताबिक बीते कुछ सालों से साल 2023 का नीट का रिजल्ट सबसे ज्यादा बेहतरीन रहा है। अब सीएम केजरीवाल के इस दावे पर बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी से लोकसभा सांसद प्रवेश शाहिद सिंह वर्मा ने सीएम केजरीवाल के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एक और डाटा शेयर किया है। प्रवेश वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लाखों छात्र पढ़ते हैं। अगर उनमें साइंस की पढ़ाई हो तो IIT, जी, नीट जैसे एग्जाम में परिणाम बेहतर होते हैं। मगर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालकर भ्रष्टाचार करने में व्यस्त अरविंद केजरीवाल 1074 छात्रों के नीट पास को अपनी सफलता मान रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या होगा? प्रवेश वर्मा ने जो ट्वीट शेयर किया उसके साथ भी एक डाटा शेयर किया है। उसके मुताबिक साल 2020 में दिल्ली के 22,638 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की थी, जिसमें से दिल्ली के सरकारी स्कूल के 569 बच्चे ही शामिल हुए। वही बात साल 2021 की जाए तो दिल्ली के 23,544 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की थी और उनमें से दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों का डाटा देखा जाए तो वो है महज 496 बच्चे। वहीं बात अगर साल 2022 की जाए तो दिल्ली के 35,113 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की थी, जिनमें से दिल्ली के सरकारी स्कूल के महज 648 बच्चे ही शामिल थे। वही बात अगर इस साल की जाए तो इस साल दिल्ली के 39,764 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की है, जिसमें से दिल्ली के सरकारी स्कूल के 1,074 बच्चे ही हैं। बहरहाल अब देखना होगा बीजेपी के इस सवाल पर केजरीवाल सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।